नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द नॉलेज गुरु के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी 2019 सभी अभ्यर्थी अपने उत्तर कुंजी को चेक कर चुके हैं और अपने नंबर को भी देख चुके हैं और ऑब्जेक्शन की डेट भी समाप्त हो चुकी है, 5 मई थी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सभी अभ्यर्थी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में होंगे कि मेरा इतना नंबर बन रहा है तो मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, अब की बार 35-40 नंबरों वालों का होगा सिलेक्शन। क्यों होगा? प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊँगा क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी फिजिकल के लिए और किसके कितने अंक बढ़ेंगे, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत अब की बार कम कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा और 20 नंबर बोर्ड किसको देगा, तो दोस्तों इन्हीं बातों पर मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी से संबंधित। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होगा साइड में उसको भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो एसएससी जीडी से आपके तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले 35-40 नंबर वाला को सिलेक्शन होगा, इनका बात करूँगा, ठीक है। नंबर कितने बढ़ेंगे और कट ऑफ कम क्यों रहेगी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सबसे पहले कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये रीज़न बाई रीज़न मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा और स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी। आप इस अगर स्टेट और रीज़न से आते हैं तो फिजिकल अपना शुरू कर दीजिए, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा, उसके बाद मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सेंटर रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बिहार की, हिंदी स्टेट की, बिहार की बात करता हूँ, ठीक है। बिहार की जो है यहाँ वैकेंसी है 6968 और यूपी की 6651, टोटल वैकेंसी 13619 है। कट ऑफ की बात करता हूँ मेल की, उससे पहले फ़ीमेल की। अगर फ़ीमेल में अगर आपके 40 से 50 नंबर हैं तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ कम जाएगी, ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद है कट ऑफ 65-60। यहाँ पर सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अब की बार बहुत अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, 10 गुना बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसी है 58373 वैकेंसी, इनमें 10 का गुना करेंगे तब ये हो जाएगी 583730। तो टोटल लगभग 6 लाख अभ्यर्थी पास होंगे, तो फिजिकल के लिए काफ़ी बुलाए जाएंगे। फॉर्म भी कम पड़े हुए हैं एग्ज़ाम या 30 लाख का। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाख बुलाए जाएंगे, इससे कटिए 5 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ कम जाने वाली है। ये तो रही सेंट्रल रीजन की बात, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी खासी जाती है, लेकिन अब की बार इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी। अगर आप हिंदी स्टेट से हैं, आपके 60+ नंबर बन रहे हैं, आप फिजिकल जरूर कर रही है, आप कोई भी स्टेट से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी बात हो चुकी है। अब आगे ईस्टर्न रीजन की, इसमें आते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तो यहाँ पर सिक्किम। आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देख सकते हैं 46 और 40 और 60। आपको और बता देना चाहता हूँ, यहाँ फीमेल कैंडिडेट को इतने नंबर मिलेंगे। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप, मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन किसके नंबर बढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो बढ़ेंगे जिसका जिसकी शिफ्ट टफ है, ठीक है, उसके नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं 15 से 20 नंबर, ठीक है, जिनका टफ़ है और पेपर एग्ज़ाम भी पहले हो चुका है तो उनका यहाँ पर बढ़ने वाला है नंबर। जैसे कि आपके 40 नंबर हैं प्लस 20 हो गए तो आप 60 नंबर हो गए, ठीक है। 60 नंबर में आप अगर इन स्टेट से आ रहे हैं तो आपका 100% यहाँ पर हो जाएगा, तो फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम है, 4 अंक का, 4 बच्चों का, ठीक है, इसकी यहाँ पर बॉलो कट ऑफ जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है 52-83। मेल कैंडिडेट के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद, और नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर इतने अंक आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गर्ल्स कोई भी अगर 35 है इन स्टेट से तो आपके कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल शुरू कर दीजिए।
दोस्तों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए चलते चलें। दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा है 35-40 नंबर वालों को होगा सिलेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कटाप आंध्र प्रदेश पुदुचेरी तमिलनाडु की, यहाँ पर बता रहा हूँ ये 43 से 45 नंबर हैं। देख सकते हैं आप गर्ल्स के लिए 35 इन स्टेट से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए फिजिकल ज़रूर करें, फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बहुत लोग कटाप जाती हैं। यहाँ पर अगर इन स्टेट से फिजिकल शुरू करें, यहाँ 4 का कंपटीशन है, फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, 1,75,000, ठीक है। अब आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, यहाँ असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कटाप कितनी है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊँगा, अगर इन स्टेट से गर्ल्स हैं 35 उनके लिए कटाप रहेगी। वैकेंसी 2908 है, टोटल 1,08,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, 4 कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ की मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्दर्न रीजन यहाँ पर आ गया है राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, तो यहाँ यहाँ पर भी मैंने बताया था हिंदी स्टेट नहीं है। यहाँ पर 60 प्लस आपके आ रहे हैं तो फिजिकल ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। 60 प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल ज़रूर करें। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के 40 से 45 नंबर बताया है, तो आप फिजिकल ज़रूर करना शुरू कर दें, ठीक है। अब आ गया हरियाणा, हरियाणा का थोड़ा सा कट ऑफ टप जाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब की बार कट ऑफ 70 है। अगर आपके 65 भी बन रहे हैं तो फिजिकल ज़रूर करें, अगर हरियाणा से हैं और 60 भी बन रहे हैं तब भी करें। फीमेल इतनी है, बहुत कम जाएगी कट ऑफ। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कट ऑफ 37 जाने वाली है अब की बार कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का भी कट ऑफ बहुत, हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पर 38 कट ऑफ, ठीक है। 38 कट ऑफ 38 जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ कंपटीशन 9 का है, ठीक है। आप यहाँ पर सारे स्टेट हो गए हैं, अगर कोई यहाँ पर देख सकते हैं केरला, कर्नाटका, KKR रीजन में 1679 वैकेंसी केरल, ठीक है। कर्नाटका केरल कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, 40 से 35। देख सकते फीमेल अगर कैंडिडेट हैं तो फिजिकल ज़रूर करिए, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, कंपटीशन भी यहाँ पर कम का है। अगर आपका स्टेट यहाँ पर छूट गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी राज्य से हैं तो 60 प्लस होना चाहिए, अगर अन स्टेट से हैं, अनवासी राज्यों से, तो आपका 50 प्लस होना चाहिए। 50 तक ऊपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नीचे है कोई दिक्कत नहीं है। मेल अगर मेल कैंडिडेट हैं आप 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है। और नक्सलाइड एरिया को बता देना चाहता हूँ, नक्सलाइड का जो मैं कटाप बता रहा हूँ उनसे -5 नंबर आप कर दीजिए, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट स्टेट का, ठीक है। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दी है, तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और कोई प्रॉब्लम है अपने नंबर को वीडियो के कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए, और स्टेट का नाम भी लिख दीजिए, कैटेगरी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।